तब भगवान श्री कृष्ण ने हस्तिनापुर के दरबार में अपना विकराल रूप दिखाया था। मैंने रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित रश्मि रथी का तृतीय सर्ग का दूसरा भाग में से एक हिस्सा प्रस्तुत करने जा रही हूँ। इसमें हम लोग ये जानेंगे कि महाभारत युद्ध प्रारंभ होने से पहले एक बार कैसे श्री कृष्ण पांडवों के दूत बनकर हस्तिनापुर के दरबार में दुर्योधन को एक आखिरी बार समझाने आए थे, पर दुर्योधन ने अपने घमंडवश उनकी बात नहीं मानी और उन्हें बंदी बनाना चाहा। तब भगवान श्री कृष्ण ने हस्तिनापुर के दरबार में अपना विकराल रूप दिखाया था। वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम सा धूप धाम पानी पथ पांडव आए कुछ और निखर सौभाग्य ना सब दिन सोता है देखे आगे क्या होता है। नेत्र की राह बताने को सबको सुमार्ग पर लाने को दुर्योधन को समझाने को भीषण विध्वंस बचाने को भगवान हस्तिनापुर आए पांडव का संदेश आला दुनिया अगर तो आधा हो पर यदि इसमें भी कोई बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम देखो अपनी धरती तमाम वही खुशी से खाएंगे परिजन पलसी ना उठाएंगे। दुर्योधन वो भी दे ना सका आशीष समाज की ले ना सका उल्टे हरि को बांधने चला जो था साध्य साधने चला। जब नाश मनुज पे छाता है पहले विवेक मर जाता है हरि ने भीषण हुंकार किया अपना स्वरूप विस्तार किया डगमग डगमग दिग्गज जोले भगवान को पिथो कर बोले जंजीर बड़ा अवसाद मुझे हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे हित वचन नहीं तूने माना मैत्री का मूल्य ना पहचाना तो ले मैं भी अब जाता हूँ अंतिम संकल्प सुनाता हूँ याचना नहीं अब रण होगा जीवन जय या मरण होगा टकराएंगे नक्षत्र निकल बरसेगी ऊपर वृहणी प्रखर फन से स्नाक कर डोलेगा विकराल काल मुंह खोलेगा दुर्योधन रण ऐसा होगा फिर नहीं जैसा होगा भाई पर भाई टूटेंगे विष मान बूंद से छूटेंगे प्यास श्रृगाल सुख लूटेंगे सौभाग्य मनुज के फूटेंगे आखिर तू भूषाई होगा हिंसा का परिदाई होगा थी सभा सन सब लोग डरे चुप थे आते बेहोश खड़े बस दो नर ना खाते थे धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते थे कर जोर खड़े प्रमोदित निर्भय दोनों पुकारते थे जय जय। एक्सक्लूसिव पोस्ट का यह वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताएं। इसे लाइक करें शेयर करें आगे भी ऐसे ही एक्सक्लूसिव वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ बेल आइकन को दबाना न